आईपीएल 2023 से कटेगा इन पांच दिग्गज खिलाड़ियों का पत्ता, टीम में शामिल होंगे नए चेहरे, जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने रहें, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों ने भी निराश किया। बतौर डिफेंडिंग चैंपियन खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने क्रिकेट फैंस को काफी ज्यादा निराश किया है। इसी के चलते आईपीएल 2023 से पहले कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें चेन्नई की टीम से बाहर किया जा सकता है। आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आईपीएल 2023 से पहले इन खिलाड़ियों का चेन्नई की टीम से पत्ता कटेगा। इस लिस्ट में पहला नाम है मोइन अली का। मोइन अली को आईपीएल 2022 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी का मौका मिला। वो बल्ले से कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। बतौर स्पिन गेंदबाज भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मोइन अली को टीम से बाहर करने के बाद किसी अच्छे ऑलराउंडर को खरीदा जाएगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ड्वेन प्रिटोरियस का। ड्वेन प्रिटोरियस पर ऑक्शन के दौरान काफी भारी बोली लगाई गई थी। ड्वेन प्रिटोरियस ने आईपीएल 2022 में अपने प्रदर्शन से निराश किया है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम मैनेजमेंट ड्वेन प्रिटोरियस को रिलीज कर सकती है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है मिचेल सेंटेनर का। मिचेल सेंटेनर बतौर स्पिन गेंदबाज अपने आप को साबित नहीं कर पाए। आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स टीम मैनेजमेंट मिचेल सेंटेनर को बाहर करके एक अच्छे स्पिन विकल्प को तलाशना चाहेगी। इस लिस्ट में चौथा नाम है सिमरनजीत सिंह का। सिमरनजीत सिंह को कुछ एक मुकाबलों में मौका मिला, लेकिन वो अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाए। इस लिस्ट में पांचवा और आखिरी नाम है तुषार देश पांडे का। तुषार देश पांडे को आईपीएल 2022 के शुरुआती कुछ मुकाबलों में मौका मिला, लेकिन वो अपनी गेंदबाजी से प्रभावित नहीं कर पाए। वो काफी ज्यादा महंगे साबित हुए। आईपीएल 2022 के बाद तुषार देश पांडे को रिलीज किया जाएगा। आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज किया जाना चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।